क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आधी रात को आपकी नींद खुल जाती है? बहुत से लोगों की आंख अचानक रात को 3 से 5 बजे के बीच में खुल जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ जाइए कि भगवान आपको क्या संकेत देना चाहते हैं और आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसके पीछे भगवान हमें किसी न किसी संकेत का इशारा देते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि इस दुनिया में व्यक्ति के जीवन में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। यहाँ तक कि व्यक्ति जब नींद में सपना भी देखता है तो उस सपने का भी कोई न कोई मतलब तो जरूर होता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलने के बीच का कारण क्या है। तो चलिए जानते हैं इस समय आंख खुलने के बीच का सबसे बड़े संकेत के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। यदि आपकी नींद रोज 3 से 5 के बीच में अचानक खुल जाती है तो ये आदत दर्शाती है कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा कमजोर हैं। आप बहुत ही उदार स्वभाव के हैं और आप अक्सर दूसरों की मदद के मामले में हमेशा आगे रहते हैं। दया भाव और भक्ति में आपकी आस्था होती है। दूसरों के सुखों के साथ ही उनके दुखों में भी शामिल होना आपकी सबसे बड़ी खूबी होती है। 3 से 5 बजे तक के समय में प्रकृति में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बहुत अधिक होता है। ये समय मन के लिए ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उत्तम होता है। लेकिन कई बार हम इस संकेत को समझ नहीं पाते और पुनः सो जाते हैं, जिस कारण इस समय का हम कोई भी लाभ नहीं उठा पाते, बल्कि 3 से 5 बजे तक का समय अमृतवीला का होता है। यह एक दुर्लभ समय होता है क्योंकि यह समय ऋषि मुनियों का समय होता है। इस दौरान संत पुरुष स्नान करते हैं और अपने साधना में लीन होते हैं। यदि आप इस दौरान भगवान से कुछ भी मांग लिए तो वो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। इसी कारण इस समय को इच्छा पूर्ति का समय भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय व्यक्ति यदि सच्चे मन से भगवान, अपने इष्ट देव या जिन्हें भी वह पूजता है, उनकी सच्चे मन से आराधना करे तो उसकी इच्छा बहुत जल्द ही पूरी होती है। इसलिए यदि आपकी भी नींद 3 से 5 बजे के बीच में अचानक खुल जाती है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। इस समय में अपने दोनों हाथ जोड़े और परमात्मा से विनती करें कि हमें ज्ञान दे, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें और हमें आगे के लिए सही रास्ता दिखाएं और हर मोड़ पर हमारे साथ रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं।